उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। विपक्ष जानता है कि वह हार चुका है और फिर भी लकीर पीटने जा रहा है। अमेठी व रायबरेली की सीटों को लेकर उन्होंने कहा कि यहां चाहे दीदी लड़े या जीजा, दोनों की ही हार होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमलावर होते हुए केशव ने कहा कि उनको सनातन से नफरत है। लोकसभा चुनाव में सपा यूपी में पूरी तरह साफ हो जाएगी। सभी को भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपना भविष्य दिख रहा है। भाजपा यूपी की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने जा रही है। अखिलेश यादव के पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। पिछड़ों के, दलितों के, अगड़ों के, किसानों के, युवाओं के, महिलाओं के विरोधी हैं। जब इनकी सत्ता थी सबके साथ अन्याय होता था। आज ये पीडीए की बात करते हैं। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। गरीब की भलाई की जगह गरीब का शोषण करने वाले ये लोग। उत्तर प्रदेश की चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास की योजना का उत्तर प्रदेश सहित देश की जनता को लाभ, रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण 500 साल के बाद, जम्मू कश्मीर से जो अनुच्छेद 370 की दीवार थी उसको ढहा करके मजबूत भारत के निर्माण की नींव वहां पर रखी जा चुकी है। और जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कर्नाटक हो, दक्षिण भारत हो, पश्चिम भारत हो, पूर्वी भारत हो, उत्तर भारत हो, भाजपा की आंधी चल रही है। और बहुत बड़ी विजय जो हम लोगों ने लक्ष्य रख करके काम किया है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी को सफलता का शिखर मिलता हुआ।